हाँ जी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अन अकेडमी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है ज्वाइन कीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक Good morning. हाँ जी जो भी टॉपिक हम कवर कर चुके अगर आपके कोई डाउट्स है आप पोस्ट कर दीजिए चलिए तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेशन ठीक है लास्ट क्लास में हमने कुछ अलग अलग तरह के टॉपिक्स किए थे जिसमें से वी हैव कवर्ड मेन कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स क्या है वो हम कवर कर चुके हैं एजेंट अप्रोच गेम प्लेइंग मींस एंड कन्वर्ट Well formulas into normal इन a कंजेगेटिव नॉर्मल फॉर्म स्टार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो के आते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के ऊपर ठीक है डिस्क्रीट होता है कभी कभी ठीक है कॉन्टिन्यूस होता है लगातार अगर किसी गेम को दो प्लेयर्स रन कर रहे हैं लूडो ही लगा लीजिए पहले इसकी टर्न है फिर इसकी टर्न है ठीक है सो दिस गेम इज डिस्क्रीट वाई दिस इज डिस्क्रीट क्योंकि इस इसमें कभी आप रन कर रहे हो अपनी टर्न को कई कभी ओपोनेंट कर रहा है सो so, इसीलिए ये डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस क्या है जब आप अकेले हो दैट इज कॉन्टिन्यूअस लाइक कार ड्राइविंग है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है क्लियर एपिसोडिक इज ऑल्सो सेम ठीक है जब कोई टास्क एपिसोड्स में हो रहा है दैट इज ऑल्सो सेम एपिसोडिक डिस्क्रीट के जैसा ही है ठीक है छोटे छोटे इंटरवल्स uh, में टास्क हो रहा है जैसे कोई गेम प्ले कर रहे हो फिर बीच में ब्रेक ले लिया तो वो एक एपिसोड हो गया दिस इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट है ओके मेटा नॉलेज वेन एवर वी आर यूजिंग मेटा मेटा का मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज जब भी हम मेटा टर्म यूज करते हैं तो मेटा नॉलेज का सिंपल मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज ये टर्म्स यूज की जाती है जब भी हम किसी तरह की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं किसी तरह की कंट्रोल करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज करना चाहते हैं तो वहां पर मेटा नॉलेज टर्म यूज की जाती है तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं मेटा नॉलेज इज व्हाट नॉलेज अबाउट नॉलेज नॉलेज अबाउट नॉलेज का मतलब क्या है कि आगे आगे, आगे और इंफॉर्मेशन बहुत एकेडमिक एरियाज होते हैं जिनमें जब हम स्टूडेंट्स को uh, मैंने मान लो बुक लिखी है ठीक है सो so स्टूडेंट्स मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं लाइन एक्स एडमिनिस्ट्रेशन की लेकिन उसके पीछे लास्ट पेज पीछ के ऊपर मैंने रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी दी है क्यों दी है सो so दैट अगर वो फर्दर और स्टडी करना चाहे वो कर पाए तो दिस इज़ जो मैंने बिब्लियोग्राफी एड की है एंड पे वो है मेटा नॉलेज नॉलेज अबाउट नॉलेज आप और नॉलेज कहां से ले सकते हैं दिस इज दंसेप्ट समझ लगा क्वेश्चन uh, कौन सा था आशीष कैन यू शेयर अच्छा आई थिंक रेडिकल का था ना शायद ना ओके वन मिनट मैं क्वेश्चन अपलोड कर दू वो आपको किस पेपर में आया था इस फाइल में है या नहीं रेडिकल ट्वेंटी ट्वेंटी में ओके लडमी चेक

Is a, is a, जो है स्लॉट एंड फिलर में होता है लास्ट क्लास में कौन कौन सी फाइल्स नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 20 वेट करो भाई फाइल नहीं मिल रही किस में था क्वेश्चन ये फाइल में नहीं है इस फाइल में भी नहीं है चलो पहले मैं ना दो-तीन फाइल्स अपलोड कर दूं क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं तो इधर से बेटर चेक हो जाएगा पहले तो है क्वांटिफायर्स ठीक है फिर उसके बाद ओके okay. <clears throat> Initial content of 4-bit serial in parallel out right shift shift resistor as shown in figure this is this. After three clock clock the the content of the register will be. starting तो first clock second, wait हाँ wait दस मिनट हो चुके हैं वी nothing अभी तक ठीक है तो क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत हम कर लेंगे बीच में कहीं ना कहीं होगा किस फाइल में बाई टू वेस्ट टाइम ना तो ये देखो अभी पे एक्जोर गेट लगा हुआ है सो so, हो, हो जाएंगी बेसिकली ये देखो ये बिट यहाँ पे फिर ये यहाँ ये यहां ये बाहर निकल चुकी बट एक्जोर ये लास्ट दो का एक्जोर फर्स्ट पे जाएगा जीरो एंड वन का एक्जोर क्या होता है दैट इज सिंपल वन वन क्या ठीक है अब इसके बाद ये सारी बिट यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट इन दोनों का एग्जोर दैट इज जीरो फिर उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होएंगी लास्ट दो का एग्जोर यहाँ पे सो ट्रिपल वन जीरो वुड आंसर इज दिस फाइन सिंपल क्वेश्चन था ठीक है गुड लो पहली फाइल में ही है ये क्वेश्चन मैंने बिना बात की इतना सर्च किया ठीक है चेक कीजिए इस क्वेश्चन को सो so, यहाँ पे गिवन क्या है अ पर्सन हु इज़ रेडिकल एंड इलेक्टेबल आप पहले इन ऑप्शंस को देखो मत आप जस्ट पहले इसकी रीडिंग लो ठीक है क्या गिवन है सो so, गिवन है अ पर्सन हु इज़ रेडिकल कहता उसको आप आर के साथ लिख सकते हैं इलेक्टेबल अगर कोई पर्सन है रेडिकल है इज इलेक्टेबल है कब इफ ही ठीक है अगर वो कंजरवेटिव है तो मैं इसको ये लिखूंगी इफ ही इज कंजरवेटिव देन ही इज रेडिकल एंड इलेक्टेबल ये भी तो लिख सकती हूं मैं इतनी बात को यही मीनिंग निकला ना If किसके आगे है इफ ही इज conservative, conservative के आगे है राइट right? ठीक है ठीक है हाँ नेक्स्ट क्या है तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन रेडिकल है एंड इलेक्टेबल है ठीक है तो वो कंजर्वेटिव है ये बात निकल रही है क्या यहां से ये बात निकल रही है कि अगर कोई पर्सन रेडिकल है तो वो रेडिकल इलेक्टेबल है तो वो कंजर्वेटिव है अगर वो कंजर्वेटिव है तो वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है ऐसा निकल रहा है बोलो ठीक है जो है रिवर्स ऑर्डर में सेम बात नहीं निकल रही क्या था रेडिकल इज इलेक्टेबल एंड इफ वो क्या है कंजर्वेटिव है तो डियर स्टूडेंट जब भी इफ का कंसेप्ट होता है वहां पे इम्प्लाइज लगता है बाई डायरेक्शनल नहीं लगता ठीक है राइट right? ठीक है तो पहली ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं फर्स्ट ऑप्शन गलत है ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन गलत है अब मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करती हूं फर्स्ट ऑप्शन कह रही है द पर्सन इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ दे आर रेडिकल एंड इलेक्टेबल अब समझ आई वट इज द मीनिंग ऑफ दिस

अगर वो कंजर्वेटिव है अगर वो कंजर्वेटिव है तो वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है पर यहाँ पे ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा यहाँ पे मीनिंग निकल रहा था कि अगर वो कंजर्वेटिव है, तो पक्का वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है ठीक है अगर वो कंजर्वेटिव है पर कंजर्वेटिव होने के लिए रेडिकल एंड इलेक्टेबल होने की जरूरत नहीं है बात समझ आई आपको जहां मैं लिखूं डबल हाँ, इम्प्लाइज आया तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग मीनिंग मैंने उसका समझाया अगर आपको चाहिए मैं इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकती हूं ठीक है कि ये एजर्शन रॉन्ग क्यों है ठीक है दैट द पर्सन इज कंजर्वेटिव इफ एंड डोन्ट इस एजर्शन का मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर कोई पर्सन कंजर्वेटिव है ठीक है इफ कब है

तो वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है तो वो कंजर्वेटिव है एंड अगर कंजर्वेटिव है तो वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है ये लिख दिया हमने जबकि ऐसी बात गिवन ही नहीं। देखो ऊपर कहीं दिया है कि एक पर्सन रेडिकल एंड इलेक्टेबल तब होगा जब वो कंजर्वेटिव है या फिर अगर वो रेडिकल एंड इलेक्टेबल है तो वो कंजर्वेटिव है ऐसा तो कोई दिया ही नहीं ठीक है ना इफ रेडिकल एंड इलेक्टेबल इम्प्लाइज कंजर्वेटिव इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन हाँ जी टॉपिक क्लियर दैट्स वाई ऑप्शन नंबर वन इज कंप्लीटली रॉन्ग नाउ वी हैव टू चेक ऑप्शन नंबर टू हाँ जी पहला क्लियर है ठीक इसका मीनिंग निकल रहा है इफ अ पर्सन इज रेडिकल ठीक है अगर कोई पर्सन रेडिकल है देन दे आर इलेक्टेबल तब वो इलेक्टेबल है इफ एंड ओनली इफ कब वो इलेक्टेबल है इफ दे आर कंजर्वेटिव अब आप क्वेश्चन की भी रीडिंग ले सकते हैं इसको हमने लिख दिया इसका मीनिंग क्या है देखो इसका इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है इफ इफ अ पर्सन इज रेडिकल ये लिख दिया इस इंप्लाइज का मीनिंग यहां पे भी देन आ गया इफ देन उसके बाद जो ब्रेसिस में है उसका मीनिंग क्या है राउंड ब्रैकेट में है दे आर इलेक्टेबल वो इलेक्टेबल है if and only if. This ये था अब की लो इज इलेक्टेबल electable. वो इलेक्टेबल भी है यहां तक तो सही आ रही है बात कब इफ ही वो कह रहा है अगर वो कंजर्वेटिव है ठीक है तो आपको लग रहा है ना कि यहां पे भी जो है इंप्लाइज आना चाहिए था आगे भी रीड करो बट अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल तो दिस इज परफेक्टली फाइन बी ऑप्शन हंड्रेड परसेंट सही है रीजन चेक करो बट अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल लिख रखा है टॉपिक समझ लगा एक बार इसकी रीडिंग लो गीता पहले इसकी रीडिंग लो फिर उसके बाद इसकी सारी स्टेटमेंट की रीडिंग लो प्रेडिकेट तो यहां पे कहीं पे यूज ही नहीं हुआ हाँ जी देखो फिर से समझो क्या है क्वेश्चन में वर्डिंग क्या दी है आप इसकी जगह पे कोई और इजी वर्ड्स रख सकते हो ठीक है? Like है वो रख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ठीक है नहीं तो क्या है वर्डिंग की तरफ ध्यान दे दीजिए बिल्कुल ही सिंपल है जो मैंने आपके सामने रेड कलर में लिखा है वो आपको नहीं पता था वो मैंने लिखा क्या था आर इम्प्लाइज ई बाई डायरेक्शनल सी था आर इम्प्लाइज इफ अ पर्सन इज रेडिकल ये आ गया ना देन तो वो क्या है देन वो इलेक्ट्रिक इलेक्टेबल है कब इलेक्टेबल है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दे आर कंजर्वेटिव अगर वो कंजर्वेटिव है ये स्टेटमेंट लिखनी आई पहले तो ये बताइए वेरी नाइस ठीक है अब ये स्टेटमेंट इस गिवन के जैसी है ये हम बताते हैं कैसे है या नहीं गिवन में लिखा है अ पर्सन हु इज रेडिकल इज इलेक्टेबल ठीक है तो यहां से नहीं आपको लग रहा इतनी स्टेटमेंट अगर आप देखें अ पर्सन हु इज़ रेडिकल इज इलेक्टेबल अगर कोई पर्सन रेडिकल है तो वो इलेक्टेबल है इसका मीनिंग इफ़ देन का ही निकल रहा है राइट right? बोलो ठीक है ना हु ठीक if, if, है ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जब ये यूज होते हैं का meaning निकलता है है ठीक वो हमें देखना होता है देन कौन, कौन सी है देन वो टर्म होती है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो इफ बन जाएगी अ पर्सन हु इज रेडिकल जो पर्सन रेडिकल है वो इलेक्टेबल है तो यहां पे रेडिकल क्या हो गया इफ हो गया क्यों इलेक्टेबल उसके ऊपर डिपेंड है इतना टॉपिक क्लियर ठीक है अब पीछे की बात भी समझो यहां पे अगर आप read करोगे इफ ही इज कंजर्वेटिव ठीक है बट अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल ठीक है अब आपकी जो बात है वो ये निकल कर आ रही है कि पर्सन अगर वो रेडिकल है वो इलेक्टेबल था ठीक है साथ में एक और बात निकल कर आ रही है वो इलेक्टेबल कब है इफ ही इज कंजर्वेटिव अगर वो कंजर्वेटिव है अदरवाइज क्या था इलेक्टेबल नहीं है तो सिंपल है डायरेक्शनल हमने लगाया क्यों लगाया क्योंकि उसमें जो है दोनों तरफ का रिलेशन बन रहा था कंजर्वेटिव है ठीक है इफ कंजर्वेटिव तो वो इलेक्टेबल था अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल सिंपल सी बात है ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हाँ जी बताओ आइडिया हुआ ठीक है आगे भी देखते हैं अगर आप ऑप्शन चेक करें उसमें B, बी या बी डी आंसर आएगा अकेला सी अकेला ए सी नहीं आएगा बी से हमें क्लैरिटी होती है अब आगे देखो इट मीन्स हमें डी चेक करना है सी चेक करने की जरूरत नहीं थी डी लिख क्या रहा है वो देख लो ठीक है ये आप इसको सेंटेंस के साथ भी कर सकते हो लेकिन मैंने सोचा मैं पहली दो टर्म्स के बीच में से नेगेशन कॉमन ले लूं डी मॉर्गन लॉ लगा दिया ये बनी पहली टर्म दूसरी टर्म में भी मैंने नेगेशन कॉमन लिया सी और ई e आया इस तरह से ठीक है फिर ये क्या है रेडिकल एंड इलेक्टेबल तो वो कंजर्वेटिव है ये क्या है रेडिकल एंड कंजर्वेटिव तो वो इलेक्टेबल है यही गिवन का मीनिंग था रेडिकल तो वो इलेक्टेबल भी है अगर वो दोनों हैं तो वो conservative है।, अगर वो conservative है तो वो कंजर्वेटिव है अगर वो रेडिकल के साथ कंजर्वेटिव है तो इलेक्टेबल है क्यों उसने लिख रखा है अदरवाइज नॉट तो दिस इज ऑल्सो फाइन बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट हाँ जी आइडिया हुआ नेगेशन को ही हमने इम्प्लाइज में कन्वर्ट किया है ना मयूरी देखो अगर अभी भी डाउट है आपके पास ये टर्म थी ठीक है ये नेगेशन मैंने इसमें से कॉमन लिया ये और था इस नेगेशन को इस और को मैं खत्म कर रही हूं और मैं इसको लिख सकती हूँ दिस टॉपिक तो क्लियर ठीक है इंप्लाइज में कन्वर्ट कर दिया उसको इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट जो है आपकी रेडिकल एंड कंजर्वेटिव देन इलेक्टेबल आ गई हां जी क्लियर हाँ बिल्कुल ठीक है ये बेसिकली है इंग्लिश को प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट करना आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको जस्ट फोकस करना है वर्डिंग के ऊपर गिवन वर्डिंग क्या है उसके ऊपर फोकस करना है फिर होएगा डन ठीक है अब नेक्स्ट बात थी कि मैम प्रेडिकेट क्या होता है नेगेशन अगर, अगर कभी भी ऐसा हो अश्वनी दिस इज इक्वेल टू फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड टर्म इसके इक्वल है हमारे पास टर्म क्या गिवन थी नेगेशन आर और नेगेशन ई e और सी सो so, मैंने इसके ऊपर डिमोर्गन लॉ लगाया कैसे मैंने पहली दो टर्म्स में से नेगेशन कॉमन लिया जब नेगेशन कॉमन लिया अंदर आर एंड ई आया इज दिस क्लियर ठीक है एक ये टर्म थी एक ये थी ये आया नौ ये क्या बन चुका दिस इज योर फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है उसका नेगेशन सेकेंड टर्म के आगे और पड़ा है ऐसा ही होता है ना फर्स्ट टर्म का निगेशन सेकेंड टर्म के आगे और पढ़ा हो तो वी कैन राइट इट लाइक दिस एम्प्लॉज सी ठीक है नेगेशन आर और नेगेशन ई और सी इफ यू आर चेकिंग दिस इट मींस टू से ई इंप्लाइज सी ठीक है दैट इज फाइन उसके बाद अगर आप इस सारे को चेक कर रहे हैं दिस इज वट फर्स्ट टर्म इंप्लाइज E implies C. This is the meaning. Clear? फाइल ठीक है यू कैन डू दैट वे also. फिर आप इसको लिखिए इसी तरह से ठीक है वैसे भी लिख सकते हैं आपको जस्ट मीनिंग निकालना है ठीक है हाँ जी समझ आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेरी थी प्रेडिकेट के बारे में प्रोपोजिशन लॉजिक ठीक है uh, क्या है स्वाति इज इंटेलिजेंट तो आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट स्वाति

I cannot use proposition logic here. मुझे यहाँ पे first order logic use करना पड़ेगा first order logic. first order logic मतलब to say predicate logic. Where I will use student bracket में x and intelligent x. इस x की जगह पे मैं किसी भी student का name कभी भी लिख सकती हूँ like Swati and intelligent भी कौन है Swati. So, यहाँ पे भी फॉर ऑल एक्स यूज होगा तो ये प्रेडिकेट लॉजिक है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी बोलते हैं हां जी समझ लगी बात ठीक है गुड हाँ जी एनी फर्दर डाउट चलो मैं ये के कुछ क्वेश्चंस है वो इंक्लूड कर रही हूं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं देखो क्वेश्चन तो आपको आएंगे टॉपिक से ठीक है समटाइम यू विल गेट सम क्वेश्चन जिनका हिंट वो पेपर में देगा आपको नहीं आते होंगे वो क्वेश्चन ठीक है हमें यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे एक ये क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन ही है जेनेटिक एल्गोरिदम ये वो कुछ बातें दी हुई है ठीक है हर इंसान हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं होता तो समटाइम एग्जामिनर जस्ट वांट टू चेक कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक टीच करना पड़े जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और उसका वो फॉर्मूला बुक्स से देख के क्या आप समझ के अपने स्टूडेंट्स को करवा सकते हो ऐसी एबिलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर आपको भी पेपर में फॉर्मूला दे देता है दो तीन क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं पेपर में जिनमें वो सब कुछ पेपर में दे देता है आपको जस्ट उसको अंडरस्टैंड करके सिंप्लीफाई करना होता है वो आपकी एबिलिटी चेक करता है ऐसे क्वेश्चंस की हेल्प से क्या आप कितना अच्छा टीच कर सकते हो आगे

क्रोमोसम की ये क्रोमोसम है दिस इज अम दिस क्रोमोसम ठीक है जो क्रोमोसम उसकी जो स्ट्रेंथ है कहता इन डेसिमल फॉर्म उसको हम डेसिमल फॉर्म में कहता लिखेंगे विद एक्स कहता आई रिप्रेजेंट दैट विद एक्स इतनी बात समझ लगी बोलो ठीक है फिर वो पूछ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस ऑफ क्रोमोसम बताओ जो कि इसके इक्वल है फॉर्मूला दे दिया आगे सुनो पॉपुलेशन ये है तो स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस ऑफ क्रोमोसम बताओ फॉर्मूला दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस का इस क्रोमोसम की स्ट्रेंथ आपसे पूछी है ट्राई करेंगे ठीक है कीजिए नीचे सिग्मा है सिग्मा का मतलब है समेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स सिग्मा मीन्स टू से सम चलो ठीक है लेट्स डिस्कस ठीक है देखो डियर स्टूडेंट पहले मेन बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की नहीं है ठीक है बात यहाँ पे थी टू अंडरस्टैंड के हमें क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला दिया है वे दिया है उसको करने का तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो सुन लो ठीक है ये आपको फॉर्मूला दिया है ये बात आपसे पूछी गई है ठीक है ना स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस ऑफ दिस डबल वन ट्रिपल जीरो हर बात की तरफ फोकस किया करो फिर उसने लिख रखा है कहता जो डेसिमल फॉर्म ऑफ एक्स क्रोमोसम की डेसिमल फॉर्म आपको लेनी है सो दिस इज योर क्रोमोसम जो कि एक्स है इसकी डेसिमल फॉर्म आपको लेनी है ठीक है सो मेन हम सबसे पहले करेंगे क्या जितने भी आपके पास वैल्यूज पड़ी हैं उनकी हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे बात समझ आई इतनी ठीक है क्लियर ठीक है पहला स्टेप यही होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन फिर जाके धीरे धीरे कम होएगी नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आगे ध्यान दीजिए सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज हम इन वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे ठीक है एंड उसके बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन लगाएंगे कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन पोस्ट भी किया हुआ था नहीं है यहां पे चलो ठीक है ठीक है इसकी कन्वर्जन आपके पास क्या आ रही है एट फोर टू वन थर्टीन ठीक है एट दैट इज इसकी एट टूर एट सिक्सटीन ठीक है सभी की कन्वर्जन हमने लिख ली अब हमें निकालनी किसकी थी स्ट्रेंथ और फिटनेस ऑफ विच प्रोमोसम तो हमें फाइंड आउट करना था इसका ट्रिपल जीरो का और इसकी कन्वर्जन हमारे पास क्या है दैट इज ट्वेंटी फोर इसका फॉर्मूला हमें दे रखा है कहता एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ एक्स ध्यान देना प्लीज एफ एक्स लिख रखा है कहता एक्स का स्क्वायर एक्स हम किसको बोल रहे हैं चौबीस को तो ऊपर हमारा आ जाएगा चौबीस का स्क्वायर नीचे क्या आएगा सिग्मा ऑफ एफ है ना सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है समेशन ठीक है तो इसकी जगह पे हमें सभी क्रोमोसोम्स का सम लेना है मतलब स्क्वायर का 13 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर इज दिस क्लियर ठीक है अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर पॉइंट फोर नाइन टू से कुछ आएगा या फिर यहाँ पे भी जीरो हो सकती है तो ये आंसर सही है सिंपल क्लियर समझ लगी बात ठीक है सी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है हाँ लोअर वैल्यू का स्केयर भी हमें लेना है बिकॉज एफ एक्स इज गिवन सो दैट्स वाई एफ एक्स की वैल्यू एक्सकेर लिखी है जीरो वॉट इज दिस टू रेज टू पार वन टू रेज टू पार टू टू रेज टू पार थ्री दिस इज एट प्लस फोर ये तो हो गया जीरो हो गया वन आठ प्लस चार बारह बारह प्लस एक तेरह क्लियर अश्विन ना एट फोर टू वन कोड याद रखा करो दिस इज एट फोर टू वन यहाँ पे सिक्सटीन हो जाएगा दो दो का मल्टीपल होता जाता है इन दोनों को ऐड कर दो क्या आ गया चौबीस यही आपका आंसर है क्लियर वेनेबली यू हैव टू डू कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल इट्स वे इज दिस टू की एक्सेडिंग पावर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है लाइक दिस लाइक दिस ठीक है इस तरह से अब ये क्या बना टू रेस्ट टू पार फोर वेस्ट्री एंड टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको कन्वर्ट करोगे टाइम कंज्यूमिंग है तो आप याद रखो एट फोर टू वन लीस्ट सिग्निफिकेंट चार बिट के साथ एट फोर टू वन रख लो इसके बाद जैसे जैसे डिजिट आएंगे प्रीवियस के साथ दो का मल्टीपल करते जाओ मल्टीप्लाई टू थर्टी टू होता है फिर सिक्सटी फोर होता है टू फिफ्टी सिक्स होता है पांच सौ बारह होता है बस दिस इज दी वे और ये आपका फाइनल आंसर है हां जी टॉपिक क्लियर हुआ सभी को तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फॉर्मूला गिवन हो वो सिर्फ इसलिए नहीं सीखने के इस पर्टिकुलर पेपर में नंबर लेने हैं आपने जो प्रोफेशन चूज किया है टीचिंग प्रोफेशन ठीक है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन जो, जो है आपको आना चाहिए सिंपल सी बात है अगर नहीं आता आपको एटलीस्ट रीडिंग के बाद आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे होएगा, ठीक है तो टू चेक थिंग्स, सच टाइप ऑफ आर इंक्लूडेड इन योर एग्जाम, डन? ठीक है, गुड अच्छा अब आपको एक टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है इस बार भी आपको उसके ऊपर आया था एंड कैविटी का क्वेश्चन आया था ठीक है ना तो सेम डायग्राम वही जो आपको पहले कभी पेपर में आई थी हूबहू डिटो सेम डायग्राम आपको आई थी तो मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि वो टॉपिक है क्या सो so, ये डायग्राम है विजिबल है सभी को ठीक है गुड ठीक है तो बेसिकली ये है क्या दिस इज अ टॉपिक ऑफ अनसर्टेनिटी ठीक है ना ये टॉपिक है अनसर्टेनिटी का इसमें जो यूज होती है बेस थ्योरम कई जगह पे कुछ थ्योरम यूज होएगी बेस थ्योरम वी आल्सो कॉल्ड दिस काइंड ऑफ थ्योरम एज कंडीशनल थ्योरम्स कंडीशनल थ्योरम भी बोलते हैं जिसमें एक कोई कंडीशन है उसके ऊपर कोई वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर दैट्स व्हाई आर कॉल्ड कंडीशनल बात समझ इतनी ठीक है अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं जैसा उसका मन करेगा वैसे आ सकते हैं कुछ भी पूछ सकता है और इस बार उसने पूछा भी था ठीक है तो हमें इस टॉपिक को हम फुल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब प्रॉबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स भी बोल सकते हैं क्या बोल दिया fast, fast. आप सोचेंगे फुल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फुल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऑल टाइप ऑफ प्रॉबेबिलिटीज ये प्रॉबेबिलिटीज है टेबल में आपको प्रॉबेबिलिटीज दी है किसी इंसान को टूथ एक होने के ये चांसेस है अगर कैविटी है इतने परसेंट चांसेस है विदाउट कैविटी इतने परसेंट कहते चांसेस है ये गिवन है टेबल में हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे टेबल उन्होंने दे रखा है फिर टूथ एक के कैच के चांसेस ये है अगर कैविटी है कैविटी में कैच होगा डॉक्टर को पता चलेगा दैट इज इतने परसेंट चांसेस कैविटी के इतने परसेंट चांसेस है उसी तरह से टूथ एक अगर हो रहा है ड्यू टू कैविटी वो कैच ना हो पता ही ना चले इतने परसेंट चांसेस है अगर टूथ एक हो रहा है कैविटी के कारण नहीं है तो भी वो पता नहीं चलता कहाँ पे हो रहा है ऊपर वाले दांत में नीचे वाले दांत में कहाँ पे हो रहा है ऐसे लगता है इधर का सारा पेन कर रहा है ठीक है कभी लगेगा ऊपर पेन है कभी लगेगा नीचे पेन है वो चांसेस आपको दिए है ये तो टूथेक के चांसेस है ये क्या है नॉट टूथेक कैविटी थी कैच भी हो चुकी किसी ने बता दिया आपके दांत पे यहाँ पे कैविटी है बता भी दिया कैविटी भी है कैच भी हो चुकी पर टूथेक नहीं है दिस इज डू यू अंडरस्टैंड द टेबल ठीक है अब यहाँ पे टेबल की तो बात ही नहीं थी यहाँ पे क्वेश्चन की बात है

ये सारी प्रोबेबिलिटी है टेक की तो हम इसका आंसर कैसे देंगे सिंपल है इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड add करके एडिशन सही करनी है नॉन मैथमेटिक जब बेस होता है ना स्टूडेंट्स का तो ये पॉइंट वगैरह को वो बिना बात की छोड़ देते हैं पॉइंट टू जीरो जीरो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक का हां जी समझ लगी बात ठीक है और नेक्स्ट बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी बताओ मुझे कहां पे आंसर आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी जहां पे कैविटी लिखा है ये हो जाएगी राइट right? ये भी आई गेस पॉइंट टू जीरो जीरो बनेगा टोटल इसका हां जी डन ठीक है अब मेन ये है जो मैं अब आपके सामने लेकर आऊंगी ठीक है मेन ये है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक बीच में यहां पे ना ओब्लीक का साइन ऐसा साइन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक इस साइन को बोलेंगे गिविंग द एविडेंस ऑफ कैविटी ठीक है टूथ एक गिविंग दी एविडेंस ऑफ़ कैविटी तो सुन लो अगर कभी भी ऐसा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दी एब एविडेंस ऑफ बी दिस इज इक्वल टू पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखना है ऊपर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है हाँ जी टॉपिक समझ लगा इस बार आपको ये तीन चीजें ही थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बताओ बी या फिर मतलब सिर्फ यही क्वेश्चन है जो बनते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी और सी बताओ हां जी डू यू अंडरस्टैंड ठीक है तो आप क्या लिखोगे ऊपर क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी ही लिखोगे डन ठीक है अब आपको जब ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ ए गिवन एविडेंस ऑफ कैविटी तो आप ऊपर क्या लिखोगे प्रबेबिलिटी ऑफ टूथ एक एंड कैविटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी ये लिखोगे सो टूथ एक एंड कैविटी एक यहाँ पे था कैविटी यहाँ पे थी रेपिटिशन नहीं करनी एक एक बार वैल्यू लेनी है है ठीक तो क्या आ जाएगा टूथ एक एंड कैविटी में ऊपर ये आ जाएगा जो मैंने अभी बॉक्स में वैल्यूज इंक्लूड की है सो दीज ऑल वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड हां जी टॉपिक क्लियर बस इन वैल्यूज का आप सम कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी ठीक है सम कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे क्या आएगा हाँ डाउट पोस्ट करो नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैबिटी जो आप पहले निकाल चुके दैट वाज पॉइंट टू जीरो जीरो था

टूथ को देखो ही ना टूथ एक लिखा है वी हैव टेकन टूथ एक ओके नेगेशन टूथ एक लिखा है वो देखो ना ये टूथ एक है कैविटी कहाँ पे है यहाँ पे है बस इधर टूथ एक नहीं लिखा नॉट टूथ एक आप क्यों देख रहे हो उस बात को भाई समझ आई बात आपको क्या लेना था पहले टूथ एक लेना था मैंने ये चारों वैल्यूज ली साथ में मुझे कैविटी लेनी थी तो मैंने ये चारों वैल्यूज ली टॉपिक क्लियर इनको ऐड करना है रेपिटेशन को दोबारा से ऐड नहीं करना वही बात तो है विनीता सेम द थिंग विच इज आस्ट बाय गीता सेम आप लोग ये मत देखो ना कि इधर नॉट कैविटी है आप उसको इंक्लूड क्यों कर रहे हो उसका रीजन देखो व्हाट वाज द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू थिंक गिवन एविडेंस ऑफ कैविटी दिस वाज द इक्वेशन आपको टीचर ने समझाया है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ थेक एंड कैविटी आएगा डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी आएगा सो so, सबसे पहले यू हैव टू टेक टूथ थेक दिस इज दी टूथ थेक टूथ थेक लिया टूथ थेक की वैल्यूज लिख लो क्या आ रही है पॉइंट वन जीरो एट नाउ यू हैव टू इंक्लूड कैविटी एंड था ना कैविटी लो कैविटी की ये दो वैल्यू पहले आ चुकी ये दोनों लिखनी है मेरी निगाह सिर्फ कैविटी पे जा रही है इनको ऐड कर दो डू यू अंडरस्टैंड जो कॉमन वैल्यू है वी हैव टू इंक्लूड ओनली वन टाइम आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी जो अब के बाद था डन दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी ओके नाओ चेक कीजिए ठीक है दिस इज गिवन प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंप्लाईज एसे गिवन है गिवन एविडेंस ऑफ दिस इसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी हाँ जी समझ लगी बात ठीक है हमने क्या समझा हमने ये समझा है कि ऐसे अगर है तो इसको हम बी साथ में एंड बी एंड ए लिखेंगे डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे राइट right? ठीक है एंड का मतलब क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ एंड बोथ जो दोनों में वैल्यूज है वी हैव टू इंक्लूड ऑल दो वैल्यूज हां जी डन ठीक है एक सिंपल बात समझ लो प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल होते हैं शायद आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो टू वन प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होती है मिनिमम जीरो होती है इज दिस फाइन ठीक है ये जो बेसिक बातें हैं चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए अदरवाइज यू हैव सीन इन दैट डायग्राम जो हमने अभी कवर की थी उसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी पॉइंट में आ रही थी राइट right? इसको एक्सियम्स बोलते हैं अगर हम कह रहे हैं ना किसी की प्रोबेबिलिटी ट्रू है का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी वन है अगर कभी हम कह रहे हैं किसी की प्रोबेबिलिटी फॉल्स है इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है डू यू अंडरस्टैंड ठीक है हर पॉइंट हर पॉइंट आपको हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है राइट right? ठीक है जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो जस्ट उस वक्त सिंपल वही पॉइंट्स नहीं देखने क्या-क्या उसकी बातें हैं वो सारी चीजें नोट करनी होती हैं ठीक है चलो आज का हमारा नेक्स्ट स्केड्यूल जो है दैट इज 4:30 पीएम और साथ में आई विल ट्राई

इसके साथ अगर आपके डाउट्स है वो वन टू वन सेशन में सॉल्व होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी अनियल बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आइकॉनिक में है सो दिस इज द डिटेल विच आई गेट फ्रॉम टीम तो आज के इस सेशन में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में फोर थर्टी पी एम देन फॉर श्योर सेवन पी एम थैंक सो